लाइम ने शहीद वन रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेसन सेवन मनी कीवर्ड्स बार्टर लाइडेंस करेंसी एटीएम कार्ड चेक वेल्थ प्रॉपर्टी ज़कात रीड एंड शेयर एंड एस्टैब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़कात एंड वट एवर गुड यू पुट फॉरवर्ड फॉर योर सेल्फ यू विल फाइंड इट वट अल्लाह इंडीड अल्लाह सीज़ वट यू डू. सपोज़ यू वॉन्ट टू बाई अ बुक और सम स्टेशनरी. सपोज़ करें कि आपको कोई बुक ख़रीदनी है और कोई स्टेशनरी की चीज़ ख़रीदनी है. स्टेशनरी क्या होती है? कोई भी पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, स्केल. व्हाट विल यू नीड टू पे फॉर द बुक और स्टेशनरी? आप कैसे ख़रीदेंगे? ऑफ़ कोर्स यू नीड मनी टू बाय थिंग्स. आपको पैसे चाहिए, पैसे के बग़ैर आप नहीं ख़रीद सकते. Have people always been using money for buying and selling goods? No. क्या शुरू से ही लोग मनी के ज़रिए चीज़ें ख़रीदते और बेचते थे? No. Before coins or paper money, people used to exchange goods and services to make a living. Before coins or paper money, अभी जो हम मनी यूज़ करते हैं that is paper money. Paper money या coins जो यूज़ करते हैं that is paper that is coin and paper money. People used to exchange goods and services to make a living. This method of exchanging one thing for another is called barter system. ये जो पहले हम लोग चीज़ें पेपर मनी नहीं होता था तो उससे पहले हम चीज़ें कैसे ख़रीदते और लेते थे कि एक दूसरे को चीज़ दी और फिर ली, तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता था. इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम. समटाइम पीपल फेस डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टरिंग थिंग्स. कभी कभी आपको एक्सचेंज करने में चीज़ें प्रॉब्लम होती थी, बार्टरिंग थिंग्स में प्रॉब्लम होती थी. अ मैन हु हैज़ वीट एंड वांट्स क्लोथ्स में नॉट फाइंड अ पर्सन हु हैज़ क्लोथ्स एंड वांट्स वीट इन एक्सचेंज. एक बंदा जिसको गंदम चाहिए होती थी और उसको एक बंदा जिसके पास गंदम होती थी और उसको कपड़े चाहिए होते थे, तो उसको वो बंदा नहीं मिलता था, वो आदमी नहीं मिलता था जिससे वो गंदम दे के कपड़े ख़रीद ले. To overcome such condition, people felt the need to introduce something common for selling and buying. Gold coins were introduced by the Lydians in 600 BC. इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ गोल्ड कॉइन्स का. गोल्ड कॉइन्स क्या होते हैं? सोने के सिक्के. दीज कॉइन्स हैड पिक्चर्स एंड राइटिंग ऑन देम. ये जो सोने के सिक्के थे, आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, इस पे पिक्चर्स बनी हुई होती थी. नाउ इट वाज मच ईजियर टू सेल वीट. दीज कॉइन्स हैड पिक्चर्स एंड राइटिंग ऑन देम. नाउ इट वाज मच ईजियर टू सेल वीट इन द मार्केट फॉर मनी एंड देन बाय क्लॉथ्स विद दैट मनी. ये आसान हो गया था कि हम गंदम और कपड़े का कारोबार कर सकते. These coins were heavy and it was not easy to carry them around. ये coins जो होते थे ये भारी होते थे और ये एक दूसरे को carry करने में मुश्किल होती थी. Therefore people felt the need to replace them with paper money. इस तरह से जो peoples थे उन्होंने नया system introduce कराया, वो था paper money का. The Chinese were the first to introduce paper money in the 7th century. चाइनीज़ जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने पेपर मनी इंट्रोड्यूस कराया 7th century में. टुडे वी यूज़ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स एज मनी. टुडे वी यूज़ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. आज हम नोट जो यूज़ करते हैं दैट इज़ पेपर नोट्स और एज अ मनी. दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. आपने देखा है ना, मनी की फ़िक्स्ड वैल्यू होती है. अगर 5 रुपये है तो 5 रुपये की चीज़ आएगी, अगर 10 रुपये है तो 10 रुपये की चीज़ आएगी. ओनली द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कैन इशू अ करेंसी एंड इट एंड फिक्स इट्स वैल्यू. ओनली द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कैन इशू अ करेंसी एंड फिक्स इट वैल्यू. डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द करेंसीज़. डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, डिफरेंट ममालिक की डिफरेंट करेंसीज़ होती हैं. पाकिस्तान की करेंसी का नाम क्या है? रुपी. सऊदी अरब की करेंसी का नाम क्या है? रियाल. ब्रिटिश करेंसी का नाम क्या है? पाउंड. और अमेरिकन करेंसी का नाम क्या है? डॉलर. पीपल अर्न मनी बाय डूइंग सम वर्क और बाय प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज. अ वेज इज़ अ पेमेंट अर्न फॉर वर्क और सर्विसेज पेड ऑन अ डेली और वीकली बेसिस.
पीपल कैसे अर्न करते थे मनी, बाय डूइंग सम वर्क और बाय प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, या कोई भी काम जो उनको आता था वो सर्विस वो प्रोवाइड करते थे और उसके ज़रिए उन मनी कमाते थे. अ वेज इज़ अ पेमेंट अर्न फॉर वर्क और सर्विसेज पेड ऑन अ डेली और वीकली बेसिस. वेज जो होती है, मजदूरी जो होती है, वो पेमेंट होती है जो किसी भी काम के एवज दी जाती है on a daily or weekly basis. Sometimes people keep their money in banks. Sometimes people जो होते हैं वो अपने money जो होते हैं वो bank में रखते हैं in banks as it is safe and secure to keep it in bank. क्योंकि आपको पता है कि money जो होते हैं वो bank में रखना safe होता है. At the time of need people can withdraw their मनी थ्रू एन ATM कार्ड और बाय चेक. इस तरह से वो अपने मनी जो हैं वो बैंक से कैसे निकलवा सकते थे, थ्रू ATM कार्ड और चेक.